हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम जून 2016 में रियल एनालिसिस के पार्ट सी से ये एक क्वेश्चन आया है इसका सॉल्यूशन देखेंगे बाकी के क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे लेकिन ये एक क्वेश्चन उसमें रह गया था तो इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आपको सोल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए क्वेश्चन लेट एक्सन बी एन आर्बिटरी सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सीरीज एक्सन की पावर पी इज़ लेसन इन्फिनिटी फॉर सम वन लेसन पी लेसन इन्फिनिटी इम्प्लाइज सीरीज एक्सन की पावर क्यू इज़ लेसन इन्फिनिटी फॉर एनी क्यू ग्रेटर देन पीन सेकेंड में दिया हुआ है सीरीज एक्सन टू द पावर पी इज़ लेसन इन्फिनिटी फॉर सम वन लेसन पी लेसन इन्फिनिटी इम्प्लाइज सीरीज एक्सन टू द पावर क्यू इज़ लेसन इन्फिनिटी फॉर एनी वन लेसन इक्वल टू क्यू लेसन पी ऑप्शन थर्ड और फोर्थ को देखिए थर्ड में दिया हुआ है गिवन एनी वन लेसन पी लेसन क्यू लेसन इन्फिनिटी देयर इज अ रियल सीक्वेंस एक्सन सच देट सीरीज एक्सन की पावर पी इज लेस देन इन्फिनिटी बट सीरीज़ एक्सन टू द पावर क्यू इक्वल टू इन्फिनीटी ये लेसन इन्फिनिटीज का मतलब क्या है एक्सन टू द पावर पी ये कैसे सीक्वेंस है कैसे सीरीज है कन्वर्जेंट है और यहाँ पे इक्वल टू इन्फिनीटी का मतलब ये कैसी है डाइवर्जेंट है फोर्थ में दिया हुआ है गिवन एनी वन लेसन क्यू लेसन पी लेसन इन्फिनीटी देर इज़ अ रियल सिक्वेंस एक्सन सच देट एक्सन टू द पावर पी इज लेस देन इन्फिनिटी बट एक्सेंट टू द पावर क्यू इक्वल टू इन्फिटी तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हमारे पास एक्सन कैसी सिक्वेंस दी हुई है कोई भी आर्बिटरी सिक्वेंस है रियल नंबर्स की अब देखिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है थर्ड में क्या है गिवन एनी वन लेसन पी लेसन क्यू लेसन इन्फिनिटी देर इज अ रियल सिक्वेंस एक्सन सच दैट एक्सन कैसी है एक्सन टू द पावर कैसी है कन्वर्जेंट है और एक्सन टू द पावर क्यू कैसी है डाइवर्जेंट है इक्वल टू इन्फिनिटी दिया हुआ है एंड फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है एक्स एक्सन टू द पावर पी इज कन्वर्जेंट एंड एक्सन टू द पावर क्यू इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट तो देखिए इसके लिए अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम लिख के चले एक्स इन टू दावर पी इज फॉर पी इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन इन्फिनिटी तो हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी एक्स इन टू दावर पी टेंस टू जीरो और अगर ये कन्वर्जेंट है एक्स इन टू दावर पी देन फॉर क्यू ग्रेटर देन पी एक्स इन टू दावर क्यू इज ऑल्सो कन्वर्जेंट देन ये भी जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी बाई कम्पेरिजन टेस्ट हम लिख सकते हैं एक्सन टू दी पावर क्यू ये सीरीज भी कैसी होगी कन्वर्जेंट होगी तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा एंड सेकेंड में क्या दिया हुआ ये है ये डाइवर्जेंट है सॉरी थर्ड में तो थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसी तरह से सेकेंड और फोर्थ के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं देखिए यहाँ पे फोर्थ में तो क्या दिया हुआ है देर इज़ अ रियल सिक्वेंस सच देट एक्सन टू द पावर पी इज़ कन्वर्जेंट बट एक्सन टू द पावर क्यूज इक्वल टू डाइवर्जेंट एंड सेकेंड में दिया हुआ है एक्सएन टू दावर पी इज कन्वर्जेंट एंड जो एक्सएन टू दावर क्यू है वो भी कैसे कन्वर्जेंट है? है तो इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं देखिए हम लेके चलते हैं एक्सएन इक्वल टू वन अपॉन एन टू दावर वन बाई टू या फिर लिख सकते हैं वन अपॉन रूट एन ठीक है पी की वैल्यू लेते हैं हम थ्री q की वैल्यू लेते हैं हम टू क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है वन इज लेस देन p या फिर p इज ग्रेटर देन वन एंड लेस than क्यू एंड क्यू क्या है लेस than इन्फिनिटी तो हम अगर यहाँ से देखें तो सीरीज़ क्या होगी एक्स एन टू पावर पी इसकी पावर पी करेंगे पी की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री तो ये आ जाएगी सीरीज़ वन अपॉन एन की पावर थ्री बाई टू अब बाई पी टेस्ट ये कैसे होगी कन्वर्जेंट होगी क्योंकि थ्री बाई टू इज ग्रेटर देन वन देन ये तो कन्वर्जेंट होगी बट एक्स एन टू दी पावर क्यू क्यू की वैल्यू क्या है? हमारे पास टू है तो उसकी पावर टू करेंगे तो सीरीज़ क्या हो जाएगी वन अपॉन एन एंड बाई पी टेस्ट ये कैसी होगी डाइवर्जेंट होगी देन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया